ताकि मेरा मन प्रभु निरंतर तुझे धन्य कहने पाए, जैसा राजा दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही तो तेरे धर्म को क्षमा करता है। हमारे धर्मों को क्षमा करता है, हमारे पापों को दूर करता है, हमारे श्रापों को मिटाता है। हम धन्यवाद करते हैं इस घड़ी जब हम तेरे वचन को देखेंगे प्रभु, तेरी सामर्थ हमारे जीवन में आ जाने पाए, तेरी आशीष हमारे जीवन में आ जाने पाए। रबा खारो रबा तेरे, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यहाँ जितने लोग हैं हर एक खुद इसी गाड़ी झूले पिता, पवित्र आत्मा तेरा बारिश यहाँ पर होने पाए, तेरे आत्मा का बारिश यहाँ पर होने पाए, तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। ठीक है, हम अपने स्थानों में बैठ जाएंगे और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन यहाँ पर दिया कि हम आज के दिन में पुनः हम लोग यहाँ पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम लोग आ पाते हैं। सो परमेश्वर पिता का बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद करते हैं। सो परमेश्वर अद्भुत है। लास्ट टाइम हम लोग कुछ परमेश्वर के वचनों से देखे थे कि हमारे मनों में परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी है। जब तक हमारे मन में परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं कर सकते कि मेरा विश्वास बहुत मजबूत है। हमने परमेश्वर के कुछ वचनों में से देखा था, लेकिन आज सब कुछ वचनों से हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर जो हमारा आपके इनाम रखा है वो हमको कैसे प्राप्त होगा। हमें इनाम पाने के लिए धीरज धरना है, आज हमारा टॉपिक होगा। हमको कुछ भी चाहिए उसके लिए धीरज धरना हम और आपको पड़ता है। ऐसे ही हमारे आपको वो चीज कभी भी नहीं मिलती है, धीरज धरना पड़ता है। एग्जाम हम लोग जब लिखते हैं तुरंत सबको सफलता नहीं मिलती है, तुरंत रिजल्ट नहीं मिल जाता है, उसके लिए थोड़ा धीरज धरना पड़ता है कि हाँ इतना तारीख हमारा रिजल्ट आएगा, तब तक हमको क्या करना, उसका वेट करना है। उसी प्रकार हमारे आपके लिए परमेश्वर एक इनाम रखा है आज के दिन में, हमको उसको पाने के लिए हमारा आपको इंतजार करना है, धीरज धरना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो अंदर धीरज धरे रहेगा उन्हीं का क्या होगा, उद्धार होगा, उन्हीं को परमेश्वर का इनाम मिलेगा। हम लोग पढ़ेंगे, मेरा अर्थोपिक होगा, हमें इनाम पाने के लिए धीरज धरने की आवश्यकता है। पहला क्रोंथियों उसका 9 अध्याय उसका 24 पद से आप आगे पढ़िएगा, आपको मालूम होगा किस इनाम के विषय में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्रोंथियंस चैप्टर 9 वर्स 24, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं? हाँ, वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, लेकिन जीतता कौन है? एक ही व्यक्ति जीतता है। क्या सबके सब जीत जाते हैं? नहीं, कई होते हैं बीच में रुक जाते हैं, थक जाते हैं, कई होते हैं अब मेरे से नहीं होगा, कई होते हैं गिर जाते हैं। अर्थात एक व्यक्ति होता है जो इनाम को क्या करता है, प्राप्त करता है। आगे क्या कहता है, पढ़िए, तुम वैसे ही दौड़ो, परमेश्वर कहता है तुम ऐसा दौड़ो कि तुम क्या हो जाओ, जीत जाओ। क्योंकि हमारा आपको मालूम होना चाहिए, अगर हम उस मसीही दौड़ में, टॉपिक वहां पर लिखा होगा मसीही दौड़, अगर हम मसीही दौड़ में हार जाते हैं तो कभी भी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने पाए नहीं पाएंगे। इसलिए आज परमेश्वर का वचन कहता है तुम ऐसा दौड़ो कि तुम जीतो, ताकि तुम्हारे लिए स्वर्ग का राज्य क्या हो जाए, खुल जाए। मसीह दौड़ से अगर हम अलग अलग हो जाएंगे, थक जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, उससे हम छोड़ देंगे उस रेस को, उस मसीह दौड़ को हम हट जाएंगे, तो हमारे लिए कभी भी परमेश्वर के राज्य कभी भी हमारे लिए खुला नहीं होगा, वो बंद रहेगा हमारा आपके लिए। लेकिन हम और आप आज दौड़ रहे हैं तो इसका फायदा क्या है? हमको भी तो इनाम चाहिए। संसारिक के लोग इनाम पाने के लिए दौड़ते हैं, हम और आप भी एक रेस में भाग लिए हैं, मसीह दौड़ में जा रहे हैं मेरे प्रियो, तो हम और आपको भी इनाम परमेश्वर हम और आपके लिए भी रखा है। क्या इनाम है, आप पढ़िएगा उसी का 25 पद को पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा इनाम क्या। हम और आपके एक ही इनाम ले जाता लिखता है, तो वो इनाम क्या है, पढ़िए, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, सब प्रकार का क्या करता है, संयम करता है।
वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पहनने के लिए यह सब करते हैं। हाँ, जो पहलवान जो है, जो संसार के लोग जो हैं, ये जो रोज रेस में भाग लेते हैं, दौड़ में हिस्सा लेते हैं, तो ये लोग मुरझा जाने वाले मुकुट के पीछे पड़ते हैं, उसको पाने के लिए रेस में भाग लेते हैं। क्योंकि जो हम मुकुट प्राप्त करते हैं, संसारिकता का मुकुट क्या है, वही शील्ड है, शील्ड होगा, मेडल होगा, ये तरह तरह का चीज मिलेगा, लेकिन ये हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। लेकिन हम जो आत्मिक दौड़ में भाग ले रहे हैं, हम और आपका मुकुट कैसा होगा, हम और आपका इनाम कैसा होगा, वो मेडल कैसा होगा, पढ़िए आगे। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं, हम उस मुकुट के लिए आज मसीह दौड़ में दौड़ रहे हैं, जो मुरझाने का नहीं, जो कभी भी मुरझाता नहीं है। वो मुकुट क्या है, जीवन का मुकुट है मेरे प्रियो, जीवन का मुकुट है, अनंत जीवन का मुकुट है। वो मुकुट किसके पास में है, यीशु मसीह के पास में। हमारा लक्ष्य काम जो दौड़ रहे हैं आज, हमारा लक्ष्य यीशु मसीह तक पहुंचना, और जो यीशु मसीह के पास पहुंच जाएगा उसको यीशु मसीह जीवन का मुकुट देगा। क्या हम चाहते हैं कि जीवन का मुकुट हमें मिल जाए, हम और आप उस दौड़ में भाग लेने की आवश्यकता है। अगर हम अलग हो गए हैं मेरे प्रिय मसीह दौड़ में, दौड़िए आप, दौड़ने का अर्थ है विश्वास करिए, बाइबल पढ़िए, परमेश्वर के वचन को एक दूसरों को बताइए, प्रार्थना करिए, उसकी महिमा करिए, गाना गाइए परमेश्वर की महिमा के लिए। ये सब चीज से हमारा जो विश्वास जो उत्पन्न होगा, यही हमारा आपको मसीह दौड़ में आगे लेके चलेगा। कई बार कई लोग होते हैं मसीह दौड़ में दौड़ते दौड़ते, कई लोग बोलते हैं अब मेरे से होने वाला नहीं है, कई लोग क्या जाते हैं, गिर जाते हैं कि अब हो गया मेरे से, अब आगे हम नहीं बढ़ सकते। संसार के लोग में आप देखिए रेस होता है, रेस के लिए सब कोई तैयार है, 100 मीटर 200 मीटर बहुत तरह का मीटर, ये लोग क्या करते हैं, दौड़ते हैं, और जब दौड़ते हैं तो कई बार लोग गिर जाते हैं। एक बार मैं यहाँ पर खेलगांव गया था, वहां पर भी जब एथलेटिक्स का गेम हो रहा था और सब कोई दौड़े, और एक बहन जो है वो भी दौड़ते दौड़ते अचानक उसका पैर जो है वो कहीं पर फिसल गया और वो तुरंत गिर गई, अर्थात वो रेस से क्या हो गई, बाहर हो गई। इसी प्रकार मसीह दौड़ है मेरे प्रियो, हम और आप आगे दौड़ रहे हैं, बीच में फिसलन आएगा, शैतान जो है हम और आपको जीतने देना नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान को मालूम है अगर ये जीत जाएगा इसको जीवन का मुकुट मिल जाएगा और मेरा जो जगह है वो खाली पड़ जाएगा। इसलिए शैतान हम और आपके जीवन में तरह तरह का संकट मुसीबत को लाता, हम दौड़ रहे हैं, किसी दिन शैतान क्या लाएगा, फिसलन को लाएगा, हो सके हम वहां पर गिर जाएंगे। कई बार शैतान हम और आपको थका देगा, थकान आने लगेगा, अब मेरे से नहीं होने वाला, अब हम नहीं करेंगे। एक बार मुझसे मिली और वो उसको बोलने लगे, हम बहुत प्रार्थना करते हैं लेकिन भी मेरे परिवार की समस्या दूर नहीं होती है। वो इस तरह का बात को बोली और वो बोली कि हम तो थक गए प्रार्थना करते करते। यही है, वो मसीह दौड़ में दौड़ तो रही है लेकिन वो क्या हो गई, बोल रही अब मेरे से होने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, हम और आपको धीरज धरना है, जब तक मुकाम नहीं मिल जाता आप धीरज धरिए और दौड़ते जाइए। एक ना एक दिन जरूर होगा, परमेश्वर आपको इनाम देगा, आपको जो चाहिए होगा वो परमेश्वर आपको देगा, बशर्ते आपको धीरज धरना है, संयम करना है आपको। So, यहाँ पर हम लोग कुछ बातों पर देखेंगे कि हम और आप जीवन में मुकुट को पाने के लिए मसीह दौड़ में भाग लिए हैं। जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, उसी दिन से हम और आप मसीह दौड़ में क्या हुए हैं, भाग हो गए हैं, वहां मसीह दौड़ के भागी हुए हैं, और हम और आप उसी समय से दौड़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य यीशु मसीह के पास पहुंचना है, वहां पर इनाम रखा है, उसके पास जो पहुंचेगा उसको इनाम मिलेगा, अब वो स्वर्ग के राज्य में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। अब जब हम मसीह दौड़ में दौड़ रहे हैं तो हमें कुछ बातों पे ध्यान देना होगा, अन्यथा हम दौड़ से कई बार बाहर हो जाएंगे। आप कोई भी एथलेटिक्स का गेम देखिएगा, एक बार गिर जाइएगा तो फिर वापस आप दौड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जो गिर गया उसको मालूम है कि हम गिर गए, मेरे से आगे बहुत सारा लोग क्या हो गया, चल गया, अब हम दौड़ेंगे भी तो हम क्या करेंगे, जीत नहीं पाएंगे। कई बार लेट हो जाता है हमारे जीवन में कि हम और आप सोचते हैं अरे आने वाले समय में हम विश्वास करेंगे। आज कई जवान यही कहते हैं, अरे अभी जवानी के समय में मौज मस्ती का करने का समय है, हम क्यों यीशु मसीह के पास में,
क्योंकि कई लोगों का मानना है कि अगर हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो बहुत तरह का रुकावट है। हम बाइबल में बहुत तरह का लिखा है, 10 नियम लिखा है, ये मत करो वो मत करो, अरे ये सब नहीं करेंगे तो हमारा मनोरंजन कैसा होगा, हमारे जीवन में खुशी कैसे आएगी। कई लोग का यही सोचना है, इसलिए वो क्या कहते कि बुढ़ापा जब आएगा उस समय जब कोई सहारा नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, तब तक मेरे प्रियो बहुत लेट हो जाएगा, हो सके उससे पहले परमेश्वर के पास में हम और आप चले गए, हमारी मृत्यु हो गई, हम और आप कहां जाएंगे। हमने यीशु मसीह को बुढ़ापे में ग्रहण करने का उसका प्रोमिस किया था, लेकिन बुढ़ापा तो आया नहीं, उससे पहले हम और आपकी मृत्यु हो गई, तब तक क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। इसलिए हम इस बात के ये बात में ना रहे, हम और आपको जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसी दिन, जिस दिन हमने यीशु मसीह के विषय में सुना उसी दिन हम और आप यीशु मसीह को ग्रहण कर ले, यीशु मसीह बहुत आयत का आशीष देगा, क्योंकि संसार का जो सुख आप पाइएगा आपको जरूर मिलेगा, और संसार जो आपको सुख देगा वो बहुत आनंद का होगा। संसार का जो सुख होता है बहुत मजेदार सुख होता है, ये पाप का जो सुख है वो बहुत आनंद को लाता है, लेकिन मेरे प्रियो वो ज्यादा दिन का सुख नहीं रहता है, ज्यादा दिन तक का आनंद नहीं रहता है। मैं एक उदाहरण को बता रहा था कल कि अगर कोई चोर मिठाई को चोरी किया, मान चलिए एक लड्डू को चोरी किया और उसको वो लिया और उसको वो क्या किया, चोरी करने के बाद उसको खाया, उसको वही समय थोड़ा सा मीठा लगेगा, उसके बाद क्या साल भर उसका मिठास उसके मुंह में रहेगा क्या, नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। अर्थात उसका आनंद जो होगा 5 मिनट का होगा, 2 मिनट होगा, कुछ ही समय का होगा। लेकिन जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो उसका आनंद जो मिलेगा वो अनंत काल तक रहेगा मेरे प्रियो। इसलिए कहा जो सुख संसार नहीं दे सकता उससे भयानक, उससे अच्छा सुख हमारा यीशु मसीह दे सकता है। इसलिए हम और आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि वही हमारे मार्ग को सीधा करता है। हम और आप जब दौड़ रहे मेरे प्रियो, हमारा विश्वास मजबूत है तो कहीं पर भी फिसलन नहीं आएगी, कहीं पर रुकावट नहीं आएगी, हमारे जीवन में थकान नहीं आएगी, क्योंकि हम इसके उसके लिए नहीं लेकिन यीशु मसीह के लिए दौड़ रहे हैं, यीशु मसीह के पास जाने के लिए दौड़ रहे हैं। इसलिए हमारे विश्वास को कभी भी डगमगाने मत दीजिए। अगर आपका विश्वास थोड़ा सा भी कमजोर होता है तुरंत आप वहीं पर गिरिएगा, क्योंकि शैतान जो है हम और आपको चीड़ फाड़ खाने के लिए तैयार रहता है। थोड़ा सा मौका दीजिएगा, शैतान ऐसा हावी करेगा कि आप के जीवन में यही आएगा, मेरे से होने वाला नहीं है, रुकावट है उसको हम बोल सकते हैं। समय कुछ बातों पे ध्यान देना, ऐसा कौन सा चीज है जो हम और आपको क्या करेगा, परमेश्वर के मसीह दौर से अलग करेगा। उन बातों को देखकर हम लोग योना की जीवनी देखेंगे और समाप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 5वां पद से आगे पढ़िएगा, मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं, इन बातों से आप मसीह दौर से अलग हो सकते हैं, इसलिए उसको पढ़िए 5 पद से। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। हाँ, बहुत सारे लोग दौड़ रहे थे मसीह दौड़ में, लेकिन बहुतों से परमेश्वर खुश नहीं हुआ, जिसके कारण वे मसीह दौड़ से अलग हो गए। आगे पढ़िए, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। हाँ, इसलिए वो मसीह दौड़ से अलग हो गए और जंगल में ही ढेर हो गए, खत्म हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। हाँ, कि जैसे उन्होंने लालच किया। हाँ, जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं को, बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। बस पहला चीज क्या है, लालच। ये जो लालच है ये हमारा आपको मसीह दौर से क्या करेगा, अलग कर देगा। इसलिए कभी भी बुरी वस्तुओं को पाने के लिए लालच ना करें मेरे प्रियो। हमारा आपके पास में जो कुछ है उसी में हमारा आप क्या रहे, संतुष्ट रहे, तो हम कभी भी मसीह दौर से अलग नहीं हो सकते। ये जो लालच है हम और आपको मसीह दौर से अलग करेगा। दूसरा क्या है, उसी के आगे में आप पढ़िएगा, पढ़िए। और ना तुम मूर्ति पूजक बनो। हाँ, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसे कि उनमें से बहुत लोग बन गए थे। जैसा लिखा है लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। ये दूसरा चीज है, ये जो हम और आपको बोलता है, दूसरा चीज हमारा आपको मसीह दौर से कब अलग करेगा, जब हम किसी की मूर्ति की उपासना करते हैं।
किसी का भी हो, हम और आपको किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं। किसी भी मिट्टी से बनाए गए मूर्ति के सामने कभी भी हमें झुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम और आपको मालूम है हमारा ईश्वर जो है, हमारा यीशु मसीह जो है, हमारे हृदय में रहता है, हमारे मनों में रहता है। तो हम किसी के सामने क्यों झुके, क्यों झुके हम? इसलिए दूसरा चीज है, हम और आपको कभी भी किसी की प्रतिमा के सामने में नहीं झुकना है। अगर हम झुकते हैं, उसको दंडवत करते, उसको बोलते हैं तू ही हमारा ईश्वर है, इसका अर्थ है कि हम और आप मसीह दौर से क्या हो गए, अलग हो गए। आगे पढ़िए, तीसरा चीज क्या है, पहला लालच था, दूसरा था कि हम और आपको किसी की प्रतिमा के सामने नहीं झुकना है, तीसरा क्या है पढ़िए, और ना हम व्यभिचार करें। हाँ, तीसरा चीज है हम कभी भी व्यभिचार ना करें। आगे, जैसा उनमें से कितनों ने किया। हाँ, उनमें से बहुत सारे लोगों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। तीसरा है व्यभिचार, हम और आप कभी भी व्यभिचार ना करें। व्यभिचार तरह तरह का होता है, आंखों की दृष्टि से भी हम और आपका क्या होता है, व्यभिचार होता है। हम किसी के प्रति गलत सोचते हैं, वो भी एक तरह का व्यभिचार है। हम अपने आंखों से कुछ चीज के गलत को देखते हैं, वो भी क्या है, व्यभिचार है। इसलिए हमारा याद रखें, पहला लालच, दूसरा मूर्ति पूजक ना बने, तीसरा व्यभिचार, ये तीन चीज है जो हमारा आपको मसीह दौर से अलग करेगी। और भी आगे पढ़िए, चौथा चीज क्या है जो हमारा आपको मसीह दौर से अलग करती है, पढ़िए, और ना हम प्रभु को परखे, और ना हम कभी भी अपने परमेश्वर को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए, और सांपों के द्वारा वे सब कोई नष्ट हो गए, और ना तुम कुड़कुड़ाओ, और ना कुड़कुड़ाओ। जो चौथा चीज है, पहला लालच था, दूसरा मूर्ति पूजा नहीं करना है, तीसरा व्यभिचार, चौथा है कि हम अपने परमेश्वर को कभी भी परखे नहीं। कई बार हमारा आप बोलते हैं परखने का अर्थ है कि कई बार हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और संदेह करने लगते हैं कि पता नहीं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना है कि नहीं सुना है। परखने का अर्थ है हम किसी के साथ में बैठे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और वो मसीह का कई बार क्या करने लगता है, अरे हम प्रार्थना किए, परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना को सुना ही नहीं, मुझको लगता है इस मसीह सच्चा नहीं है। कई बार उसके बात को सुन के आपके मन में भी लगता है, हाँ हम भी प्रार्थना किए थे, क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुना, कंफ्यूज में रहते हैं, क्या यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। इसका अर्थ है कि हम अपने ईश्वर को क्या कर रहे हैं, परख रहे हैं। ये चौथा चीज है, परखना, हम अपने ईश्वर को कभी भी ना परखे। पांचवा चीज क्या है, उसके आगे पढ़िए, परखने वाले के आगे में पढ़िए, और ना तुम कुड़कुड़ाओ। हाँ, कुड़कुड़ाओ, जो पांचवा चीज है, हम और आप कभी भी किसी के प्रति गुस्सा ना करें। वचन कहता तुम क्रोध करो, अच्छा है तुम क्रोध करो, लेकिन शाम होने तक तुम्हारा क्रोध क्या हो जाना चाहिए, ठंडा हो जाना चाहिए। अर्थात तुम जिसके प्रति क्रोध किए हो उससे तुम माफी मांग लो, उसे क्षमा मांगो। अर्थात तुम कुड़कुड़ाओ। ये पांच चीज है मेरे प्रियो जो हम और आपको मसीह दौर से क्या कर देगी, अलग कर देगी। इन्हीं पांच चीज के कारण से हम और आप जो है क्या जाएंगे, थक जाएंगे, गिर जाएंगे, बोलेंगे मेरे से नहीं होगा, या हम वापस लौट जाएंगे। ये पांच चीज के कारण से होगा मेरे प्रियो, इसलिए ध्यान दे, पांच चीज के कारण से। योना क्या किया, परमेश्वर इसको बोला तुम जाओ नीनवे नगर में जाकर तुम उनको बता दो कि तुम्हारा पाप जो है बहुत बढ़ गया है, इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़केगा और ये नीनवे नगर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब क्या सोचा ये जो योना है, वहां से भागने को चाह रहा है, नहीं वहां से वो भागने चाह रहा है, क्योंकि इनको योना को मालूम है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर को वहां पर भेज देगा और हम बताएंगे उन लोगों को, और वे लोग अगर हो सके विश्वास भी करे तो बाद में बोलेंगे परमेश्वर को, रो रो के प्रार्थना करेंगे प्रभु इस नगर को नाश ना कर, परमेश्वर तो दयालु है इनको बचा लेगा, इसलिए बोला कि क्यों उसके वहां पर जाए, फिर लोग हमको मारेंगे। योना चार बहुत सोचने लगा कि लोग हमको मारेंगे, अरे तुम तो बोला था कि परमेश्वर को नाश करे, कहां नाश किया, यहां तो धरती भी नहीं, कुछ नहीं हुआ यहां पर, इसलिए नहीं जाना चाह रहा था। बाद में क्या हुआ, योना को जब वो जहाज में चढ़ा, दूसरा जगह जाने के लिए वो क्या किया, जहाज में चढ़ा है,
उस पानी जहाज में चढ़ा और जैसे चढ़ा कुछ आगे बढ़ा, आगे बढ़ने से अचानक समुद्र में लहरें आने लगी, आंधी तूफान आने लगा। वहां पर जितने बैठे थे उस नाव में, उस जहाज में, सब सोचने लगे क्यों ऐसा हो रहा है। योना को समझ आया कि मेरे कारण हो रहा है। तब योना क्या बोला, मुझको समुद्र में फेंक दो, इस जहाज से उठाकर समुद्र में फेंक दो तो ये आंधी ये तूफान शांत हो जाएगी। योना क्या किया, सब लोग उसको बोले एक ऐसा आदमी है, सोचने लगे। लेकिन उनको बचना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, योना को क्या किया, उस समुद्र में फेंक दिया, समुद्र के बीच में। और जैसे फेंका, परमेश्वर एक बड़ी मछली, एक मच्छ को आज्ञा दिया कि तुम जाओ और उसको क्या करो, निगल लो। और बड़ा सा मछली उसको क्या किया, योना को, जैसे वो समुद्र में गिरा तुरंत उसको क्या किया, लपका और उसको निगल लिया। योना को पछतावा हुआ कि मैंने पाप किया है, वो पाप किए, इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है कि मैंने पाप किया, प्रभु मुझको क्षमा कर, मुझको नीनवे नगर जाना चाहिए था पिता। वो पश्चाताप करने लगा पापों के प्रति और परमेश्वर से प्रार्थना किया। प्रार्थना के बाद में वो जो बड़ा मच्छ है उसको उगला, परमेश्वर आज्ञा दिया और वो मच्छ योना को उगल दिया। उल्टी करके जब निकाला योना, जहां पर निकला देखता क्या है, हम नीनवे नगर में मैं पहुंचा हुआ, नीनवे नगर में वो पहुंचा हुआ था। और जब वहां पर गया नीनवे नगर में, लोगों को बताया परमेश्वर का वचन, बताया कि तुम लोग से परमेश्वर गुस्सा है क्योंकि तुम्हारा पाप जो है बहुत बढ़ गया है, इसलिए परमेश्वर नाश। मेरे प्रिय, हमारा आप भी ध्यान दे, हमारा पाप में आगे अगर बढ़ते जाते हैं, हमारा पाप जो है वो खत्म नहीं होता, जिस काम के प्रति परमेश्वर खुश नहीं है ऐसे कार्य में हम और आगे बढ़ते जाते हैं तो परमेश्वर निश्चय है कि हमारा आपको घात करेगा, परमेश्वर निश्चय है कि हमारा आपके जीवन में दुख और मुसीबत को भेजेगा ताकि हम उस पाप से क्या हो जाए, अलग हो जाए, सही काम में हमारा लग जाए। शैतान भी कई बार हमारा आपके जीवन, शैतान का कार्य है दुख लाना, लेकिन परमेश्वर भी कई बार हमारा आपके जीवन में दुख लाता है। क्यों लाता है, ताकि हम और आप उस दुख में परमेश्वर को छोड़े नहीं लेकिन परमेश्वर में और मजबूत हो जाए। इसलिए कई बार हम मसीह को ग्रहण करने के बावजूद भी क्या होते हैं, कई बार हमारा आपके जीवन में दुख और तकलीफ आता है। एक बार मुझको बोली, वो बोलने लगी कि हम तो यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं तो भी कहां कुछ होता है, शुरू विश्वास की थी और बोली कि हम यीशु मसीह के ऊपर में ग्रहण किए, उसको विश्वास करते तो भी मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, वो जो दुख है वो अभी तक दुख चलता जा रहा है। मैंने उसको बोला कि धीरज धरिए, धीरज धरिए, परमेश्वर एक दिन आपके दुखों को आनंद में बदल देगा, क्योंकि उसने कहा है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, हमारा आपका शोक जो आनंद में बदल जाएगा। और जब वहां पर योना प्रचार किया, लोगों को बताया परमेश्वर के विषय में, सभी लोग योना को मारने के बजाय, भगाने के बजाय क्या किया, उस पर विश्वास किए, परमेश्वर में विश्वास किए हुए, और वे सब कोई टाट ओढ़कर राख में बैठे और उपवास सहित सब पूरा देश नीनवे नगर प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से क्षमा मांग रहा है, परमेश्वर से कि प्रभु मैंने पाप किया है, हमारे देश ने पाप किया है। वहां के लीडर लोग, नेता लोग प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर को पुकार रहे। जब प्रार्थना करके पुकार रहे, परमेश्वर की आशीषों की बरसात हुई वहां पर, परमेश्वर का सामर्थ्य आया और परमेश्वर मुकरा कि अब मैं इस जगह को नाश नहीं करूंगा और परमेश्वर उस जगह को बचाए मेरे प्रियो, क्योंकि वो दया करते। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी हमारे जीवन में दुख आता है, हमारा आप उससे मुकरे नहीं, लेकिन हमारा उस दुख के समय उपवास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करा। हालेलुया, ये धर्मांतरण बिल जो हमारे आज राज्य में निकलने वाले के लिए पास किया गया है, लेकिन मेरे प्रियो जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे परमेश्वर जरूर इस बिल को खत्म कर देगा, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत प्रभु है, क्योंकि उसने कहा प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। इसलिए प्रार्थना में नित्य बने रहे, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ करेगा। सो आज के दिन में हमारा आपको क्या करना, अंतिम बात देखकर हम समाप्त करेंगे। आज के दिन में हमारा आप तब क्या करें, ऐसे समय में पढ़िएगा रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10, प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसका 10वां पद को पढ़िए। इस पद को पढ़कर हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसका 10 पद को पढ़िए। जो दुख तुझको झेलने होंगे, परमेश्वर का वचन बोलता है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर, उससे तुम कभी भी मत डरना, क्योंकि देखो शैतान हाँ तुम्हें
तुम में से कुछ जल जल खाने में डालने पर है, कुछ लोग जेल खाने पर डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, ताकि तुमको 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रह। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, प्राण देने तक क्या रह, विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया, हम और आपको जीवन का मुकुट मिल जाएगा। हम और आप जो मसीह दौड़ में दौड़ रहे हैं, प्राण देने तक अब उसमें दौड़िए, प्राण देने तक विश्वास रखिए, विश्वास रखिएगा। आप मसीह दौड़ में क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, प्राण देने तक आप परमेश्वर में विश्वास करते रहे। जब तक आपके जीवन में, आपके शरीर में प्राण है, तब तक आप यीशु मसीह का नाम लीजिए, उस पर विश्वास करिए, उसी के अनुसार चलिए, तो परमेश्वर एक दिन यीशु मसीह आपको जीवन का मुकुट देगा। और आपको जब जीवन का मुकुट मिलेगा, ऐसा राज्य में आप प्रवेश करेंगे जहां आनंद ही आनंद है, जहां पर परमेश्वर की महिमा होती है, स्तुति होती है। हालेलुया, ऐसी जगह में हमारे आपको जाने का मौका मिलेगा, आनंद जीवन तक हमारा आपको वहां पर आनंद मिलेगा। अन्यथा अगर हम मसीह दौर से अलग होते हैं, हमारा आपका जगह जो होगा वो नरक होगा। आप उसको देखिएगा, नरक के विषय में लिखता है वहां रोना धोना और दांत पीसना होगा। अनंत काल तक आप रोते रहेंगे, शरीर जलता रहेगा, दांत पीसते रहेंगे, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, सबसे अच्छी बात है कि हम स्वर्ग के राज्य में, क्योंकि हमने यीशु मसीह ग्रहण किया, हमारा आपके लिए एक मौका मिला है, उस रेस में हमारा भाग लिया, आज हम दौड़ रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हम विश्वास करते हैं। इसलिए परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि प्रभु, कभी भी मैं गिरू ना, कभी मैं फिसलू ना, कभी भी मैं ना थकू, पिता परमेश्वर, मैं प्राण देने तक इसमें दौड़ता रहूं, तुझे विश्वास करता रहूं, ताकि मैं तुझ तक पहुंच पाऊं, उस इनाम तक पहुंच पाऊं, जिस इनाम को तूने हमारे लिए रखा है, और वो इनाम है जीवन का मुकुट। जो जीवन का मुकुट को पाता है, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाता। हालेलुया, सो आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे।